नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। तेजस्वी यादव को शायद अपने पिता और माँ के शासन काल की जो भूल है, अब उन्हें वो समझ में आ रहा है कि शायद जनता उस शासन काल को भूल नहीं पा रही है। तभी उन्होंने एक पत्र लिखा और कहा भी कि यदि लालू राबड़ी शासन में कोई भूल हुई हो तो माफ करें। यानी कि तेजस्वी परिपक्व हो रहे हैं राजनीति में और वो समझ रहे हैं कि उनके पिता और माँ का जो शासन काल था, जिस पे माफियाओं का कब्जा हो गया था, उस शासन काल को जनता भूल नहीं रही है, उस दौर को जनता नहीं भूल रही है और जनता उन्हें हर बार सबक सिखा दे रही है। इसलिए वो बिहार के बेटे के रूप में बिहार की जनता से एक माफीनामा पत्र उन्होंने लिखा कि यदि लालू और राबड़ी के शासनकाल में कोई भूल हुई हो तो हमें माफ करें। यानी कि मैं जो हूं उनका पुत्र, एक अच्छा शासक बन के जरूर दिखाऊंगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तेजस्वी ने उस पत्र की शुरुआत यहां से की है और उन्होंने फिर कटाक्ष और हमला बोला नीतीश कुमार पर और उन्होंने कहा कि क्या नीतीश कुमार और सुशील मोदी अपने 15 वर्षीय कार्यकाल के लिए माफी मांगेंगे? सृजन घोटाले, धान घोटाले सहित 55 बड़े घोटाले हुए हैं इन 15 सालों में, क्या उसके लिए सुशील मोदी और नीतीश कुमार माफी मांगेंगे? जहरीला मिड डे मील खाने से 23 बच्चे मरे, चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चों की जान गई, मुजफ्फरपुर बालिका गृह हत्याकांड में जो 34 बच्चियों का मामला था उसको भी उन्होंने उस पत्र में उठाया है, बदहाल शिक्षा व्यवस्था, बदहाल जो है वो काम की व्यवस्था, बेरोजगारी की व्यवस्था, इन सबको उठाते हुए तेजस्वी ने कहा है कि क्या हमने तो माफी मांग ली अपने पिता और माँ के उस 15 साल के शासनकाल के लिए, लेकिन आप जो इस 15 साल से बैठे हुए हैं कुर्सी से चिपक कर, उसके लिए क्या आपने जो ये घोटाले और ये समस्याएं और ये जो घटनाएं घटी हैं उसके लिए क्या माफी मांगेंगे? अब जवाब जदयू के पक्ष से क्या आता है, मुख्यमंत्री के पक्ष से क्या आता है, इस पर भी हमारी नजर है। लेकिन तेजस्वी शायद समझ चुके हैं कि हो सकता है इस चुनाव में बिहार की जनता उन्हें माफ कर दे, क्योंकि बिहार के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो बालू की ढुलाई से जुड़े थे, जो अन्य व्यवसाय में जुड़े थे, और इस कोरोना काल ने तो सबकी कमर तोड़ ही दी है। बहरहाल, जदयू खेमे से इस पत्र और इस बयान का क्या जवाब आता है हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप बने रहिए नेशन भारत चैनल के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और देखते रहिए नेशन भारत। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।